दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर जो है, मतलब हम जैसे ही खाना खाते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर जो है हमें भूख लगने लगती है, और अगर भूख लगने के साथ साथ में धीरे धीरे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन या गुस्सा भी आने लगता है, तो क्या हो रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उस समय हॉर्मोनल चेंजेस और भी बहुत तरह के तमाम तरह के केमिकल चेंजेस, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो भूख क्यों लगती है उसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या भूख लगने का एक्चुअल रीज़न है। तो होता क्या है कि जैसे जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे जैसे हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जो है उसे आप एसिड बैग समझ सकते हो। तो बैग के अंदर जैसे हम सामान डालते हैं तो कैसे वो एकदम मतलब भर जाता है, फूल जाता है। तो उसी तरह से जब यहाँ पे हम जब खाना खाते हैं तो वो एक तरह से जो एसिड बैग होता है, जो स्टमक होता है, वो एक तरह से फूल जाता है। और फूलने की वजह से क्या होता है, उसके जो अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, वो अपने आप में जो है वो वेगस नर्व से हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो ये एक तरह से पूरा न्यूरॉन का सिस्टम होता है। न्यूरॉन क्या है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो वेगस नर्व से कनेक्टेड होता है, वो एक सिग्नल दे रहा होता है कि हाँ मतलब अभी एक तरह से फूला हुआ है, तो मतलब अभी कुछ है स्टमक के अंदर पचाने के लिए, तो अभी और खाने की जरूरत नहीं है। तो उसी के साथ में जैसे हमने बॉडी के अंदर जो भी खाया तो हमारे जो खाने के अंदर जो भी प्रोटीन लिपिड जो भी रहा होगा वो वहाँ पे रहता है, और उसके डाइजेशन के लिए जो है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है CCK या कोलेसिस्टोकाइनेज। इसके अलावा GLP-1 करके हार्मोन है, वो भी जो एक तरह से स्टमक से रिलीज हो रहा होता है, पैंक्रियास को सिग्नल दे रहा होता है कि इंसुलिन बनता रहे। तो इस तरह से जो है इंसुलिन भी जो है वो काफ़ी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बना रहता है। प्लस जो हमने खाया है उसके अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो भी जो है एक तरह से बना रहता है। तो इन सबको जो है एक तरह से न्यूरोनल लेवल पे और इसी तरह से जो हार्मोनल लेवल पे यहाँ पे जो है एक तरह से ये स्टेट बना रहता है कि खाना भी है। हार्मोन क्या होता है एक बेसिक सी लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है डेफिनेशन का, वो आप देख सकते हैं। तो अब जैसे ही 2-3 घंटे तकरीबन होंगे खाना जो है आगे पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जो आपके मैकेनोरिसेप्टर हैं यानी जो वेगस नर्व से जो कनेक्टेड हैं वो एक तरह से सेंस कर लेंगे कि अब वहाँ पे जो है मतलब जो है वो एक तरह से एसिड बैग भरा हुआ नहीं है, अब उसके अंदर से खाना चला गया, तो पहला एक तरह से सिग्नल वो जा रहा है। साथ के साथ CCK और इन सब की कमी हो जाती है, तो उसी समय पे एक हंगर हार्मोन जिसे बोलते हैं जिसका नाम है ग्रेलिन, तो ये ग्रेलिन हार्मोन जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। वो ग्रेलिन हार्मोन जो है हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर हाइपोथैलेमस रीजन होता है, उस हाइपोथैलेमस रीजन में जाके जो सिग्नल देता है कि हमारे अंदर जो है मतलब फूड की कमी हो चुकी है। इस हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलने के बाद में ये जो है एक NPY या फिर न्यूरोपेप्टाइड Y जो होता है, एक पेप्टाइड होता है, उसको सिग्नल देता है इस पॉलीपेप्टाइड को जो है सीक्रेट होने का। और उसी के साथ में जो है बॉडी को एक तरह से सिग्नल मिलता है कि मतलब अब उसको जो है कुछ खाना चाहिए, उसे भूख लगी है, इस तरह के मतलब सिग्नल मिलने स्टार्ट होता है। ये NPY ही एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जो कि इन्वॉल्व होता है एंगर के अंदर भी, मतलब एक तरह से सेम हार्मोन है जो कि आपके हंगर मैनेजमेंट का भी काम कर रहा है और एट द सेम टाइम जो है आपको गुस्सा आ रहा है उसमें भी काम कर रहा है। और शायद इसका इवोल्यूशनरी रीज़न ये भी रहा होगा कि भाई आपको जब भूख लगे और गुस्सा नहीं आया तो पता चला कि आप सामने वाले को खाने देंगे और खुद खाएंगे ही नहीं, तो गुस्सा आएगा तो आप अग्रेसिव होकर खाने पे टूट पड़े, तो एक तरह से दोनों इवॉल्व हुए। और यही शायद रीज़न है इसकी वजह से आपको भूख लगने के साथ ही जो है वो गुस्सा भी आता है। अगर आपको भूख लगने की वजह से गुस्सा आ रहा है तो ये तो ठीक है एक फिजियोलॉजिकल लेवल पे, लेकिन और भी रीज़न की वजह से अगर आप बात बात पे गुस्सा आता रहता है तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि किस तरह से आप जो है मतलब आप एंगर को मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब लेकिन जैसे जो है आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ में जो है दूसरी तरफ जो ग्रेलिन का अपोजिट एक हार्मोन होता है जो कि बोलते हैं लेप्टिन। अब ये लेप्टिन जो है एडिपोज टिश्यू यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट टिश्यू होते हैं वहाँ से रिलीज होता है, और ये जो लेप्टिन है वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि NPY जो है जो पॉलीपेप्टाइड है वो उसको इनहिबिट करने का काम करता है। यानी कि जब आपको भूख लग रही थी तो NPY बहुत ज़्यादा हो रहा था जिससे आपको भूख की सेंसेशन आ रही थी, अब NPY जो है यहाँ पे आपकी सेंसेशन को इसको कम कर देगा। और दूसरी तरफ जो है POMC जो है एक और वहाँ पे हार्मोन होता है उसके जो है लेवल को वो बढ़ा देगा, तो एक तरह से कंबाइंड इफेक्ट होता है। एट द सेम टाइम जो है आपका हाइपोथैलेमस ये भी ध्यान रखता है कि ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन का लेवल बॉडी में कितना चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी वो ध्यान रखता है कि अब मतलब सच में कितना जो है भूख लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। मतलब एक तरह से वो हो गया कि बहुत सारे मल्टीपल चेक पॉइंट है, केवल एक चीज़ से जो है सब कुछ गवर्न नहीं हो रहा है, हाइपोथैलेमस अपनी तरफ से भी ध्यान रख रहा है, दूसरे हार्मोन है
वो भी ध्यान रख रहे हैं, उनको रेगुलेट करने वाले वो भी ध्यान रख रहे हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क बना हुआ है और उसके हिसाब से जो है आपकी हंगर एक तरह से मैनेजमेंट होता है कि आपको कब भूख लगनी चाहिए और कब जो है वो भूख शांत हो जानी चाहिए। इसके बाद मैं अपने आने वाले वीडियो में ये बता रहा हूँगा कि क्या होता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं, यानी कि आप बहुत दिनों तक अगर फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या मेटाबॉलिक लेवल पे या हार्मोनल लेवल पे चेंजेस हो रहे होते हैं। एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ क्यूरियस मंक चैनल जिन्होंने इतने अच्छे एनिमेशन बना के इस वीडियो में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आप वहाँ जाके और वीडियोज देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।